मेरे को खुशी भी तो कितनी आती है, बहुत खुशी है। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ? को मेरी शक्ल बड़ी गंदी लग रही है पर हैं? तेरे को पता है तुझे मेरी शक्ल बड़ी गंदी लग रही है। मेरी माँ गंगा धराय शिव गंगा धराय। तो यार ये सुरेश सिंह जी, मुझे लगा इसके दांतों से खून आ रहा लग रही। तो इसे ठंड नहीं लग रही है। एक से ज्यादा बंदियां चाहिए, उसकी गर्लफ्रेंड मान नहीं रही तो इसे बुखार चढ़ चुका है। प्लीज मान जाओ, हमारे जा रहे हैं। तो ये जा रहे हैं यार, बुरा लगता है जब घर से कोई जाता है बट क्या करे, इसका एग्जाम है। ये आ जाएगा 18 तारीख को, मैं मिलता हूँ आपसे आगे। होंठ उधेड़ कर जब दांत बाहर निकालता है तो बेवकूफ से बेवकूफ गधा भी सियाना लगे। जय शंकर महाराज, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। क्या कर रहे हैं यार तू? तो यार अभी सुरेश को छोड़ दिया है, घर की तरफ जा रहा हूँ अभी। तो देखेंगे आज का दिन कैसा जाता है, जैसा भी जाएगा आपके साथ सब शेयर करूंगा जैसे आज तक करते आया हूँ। तो बाकी अब मैं सोच रहा हूँ कि आज क्या करें, आज के दिन में कुछ एक्साइटिंग करने का मन कर रहा है दोस्तों। तो देखते हैं क्या करते हैं, जैसा भी दिन जाएगा सब बताएंगे। और सुरेश के जाने का बड़ा दुख लग रहा है यार, मेरा कॉन्टेंट जा चुका है। तो उसने बड़ी बकवास की वीडियोज में, तो मैंने क्लिप्स डिलीट की और इंट्रो मैं पहले शूट कर चुका हूँ बट मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ उससे, क्योंकि यार धूप का चक्कर पड़ रहा था ऊपर नीचे, तो आंखें खुली बंद बड़ा इशू था। तो मैंने कहा इंट्रो फिर से शूट करते हैं, मिलता हूं मैं आपसे आगे। तो यार अभी घर पहुंच चुका हूं सुरेश को छोड़ के, अब देखेंगे आगे के दिन में क्या करना है। मिलता हूं मैं आपसे थोड़ी देर तक, मम्मी को खाना वगैरह खिला के उनको दवाई वगैरह पेट करो। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। तो दोस्तों हम लगे हैं चढ़ाने भाई के लिए चाय, और इसके लिए ब्रेड ऑमलेट बनेगा साथ में जैसे कल बनाया था। शिट हैपेंस, मैं थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर रहा हूँ पैन के ऊपर ताकि जो हमारा अंडा है वो चिपके ना और कल वाला हादसा दोबारा हो ना। कभी कभार गलती होती है, रोज नहीं होती दोस्तों। इसको मैं सिंक में नहीं डालूंगा, एक्चुअली मैंने अपने लिए भी बनाना तो उसको मैं ऐसे रखूंगा। तो पापा के लिए खाना बनने जा रहा है दोस्तों। बस थोड़ी सी लेफ्ट राइट हो गई थी सिचुएशन, और कल वाली वीडियो यार मेरी बड़ी जल्दी शूट हो गई थी सारी, तो उसका जो लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। क्योंकि अब मैं थोड़ा सा टाइम को लेके ज़्यादा कंसिस्टेंट होना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी वीडियोज़ यार स्टार्टिंग में मतलब कि 3-4 वीडियोज़ मेरी कुछ ऐसी गई हैं, कोई रात को 1 बजे भी अपलोड हुई है, कोई 12:30 बजे अपलोड हुई है, कोई कोई तो 1:30 बजे तक अपलोड हुई है। तो उसकी वजह से मैंने सोचा हुआ है कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि कोई कोई देखता है फिर अगले दिन किसी के पास टाइम हो नहीं हो। अगर रात को थोड़ी जल्दी आ जाए जब सारे सोने के लिए जा रहे हैं या बैठे हुए हैं फैमिली के साथ, उस टाइम पे बैठ के देख सकते हैं वीडियोस। तभी मैं थोड़ा टाइम जल्दी कर रहा हूँ, कल भी मैंने 10 बजे के अराउंड अपलोड कर दी थी वीडियो, तो अब आगे से ऐसा ही टाइम रहेगा दोस्तों। वेट कीजिए, पंगे नहीं करेंगे फिर से ना गिर जाए यहाँ पे दूर। सबसे पहला काम कर देते हैं दोस्तों, सेफ्टी फर्स्ट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तेल गरम हो चुका है, चाय हमारी तैयार होने वाली है दोस्तों। ब्रेड्स के पीस हम निकाल देते हैं। देख सकते हो दोस्तों एक बारी गलती होती है खाली जिंदगी में, याद रखना। चाय बन जाए। तो मैं वापस से आ गया हूँ किचन में। यार मम्मी की जो तबीयत है वो पहले से काफ़ी बेटर है, बट उनको जो है वीकनेस हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा फीवर से, तो मैं उनके लिए कुछ बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें कैफीन थोड़ा हाई हो। तो अब देखना मैं क्या बनाता हूँ। चाय बनाने के लिए बोला, चाय बना के देते हैं उनको एक अच्छी सी जिसमें हाई कैफीन हो। वेट करो।
A few moments later. ये मेरे गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं रहता पता नहीं रहता गाइस के गुस्से पे कंट्रोल बिल्कुल भी बढ़िया ये बहुत गुस्से वाला इंसान है जब इसके बड़े बड़े केस आते हैं उसको गुस्सा भी इसका आ जाता है तो अभी यार मोमोज खा रहे हैं दोस्तों देख सकते हो आप काफी अच्छा टेस्ट है वेज मोमोज खा रहे हैं नॉन वेज हम प्रमोट नहीं करते ये जिन्होंने बताया उनका बता नहीं सकते गर्म है दोस्तों तो यार अभी रात को निकल पड़े हैं अय्याशी करने के लिए आज वकील साहब का चेहरा रिवील कर दिया जाए दोस्तों नहीं नहीं एक मिलियन भाई इससे तेरे को ना मोटिवेशन मिलेगी कि एक मिलियन करने है जल्दी हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल अरे एक बात बोलो जिस हिसाब से व्लॉग बना रहे हो ना आप आई स्वेयर वो जल्दी आपके हो जाएंगे मोमोज गर्म बड़े हैं लेकिन मुंह नहीं थक रहा तो यार रात सुहानी सुहानी निकल चुके हैं बाहर दोस्तों देखेंगे कहाँ जाते हैं क्या नहीं खाता नॉन वेज प्रमोट नहीं करता दोस्तों मैं अगर खाना आपकी चॉइस है बट मैं प्रमोट नहीं कर रहा लेकिन हम प्रमोट नहीं करेंगे कोई क्या हो गया तो यहाँ पे सीन हो गया दोस्तों ये मुझे लग रहा है लड़ाई होगी मेरे ख्याल से अरे एल्विश भाई क्या ये कोई बोल सकता है क्या दोस्तों लफड़ा हो गया यहाँ पे लफड़ा हो चुका है बेलन देना खोपड़ी तोड़ छाल लेकर भैया क्या हुआ तो एक्चुअली मैं हुआ क्या था सारे सुन लो तो एक्चुअली मैं लड़का था यहाँ पे मेरे को जैसा भैया ने बताया कहते लड़का था वो नशा करके आया था तो उसने नशे में बदतमीजी की किसी भैया भूया के साथ तो उन्होंने चांटा मार दिया किसी लड़के के साथ बदतमीजी कर ली ना ऐसे अनजान तो उसने चांटा मार दिया तो जो लड़का नशे में था जिसने चांटा खाया वो अब धमकियां दे रहा है कह रहा है मैं ट्रक के नीचे आ जाऊंगा मेरे को चांटा क्यों मारा मैं मरी जाऊंगा भगवान तो वो रो रहा है कि मेरे को चांटा क्यों मारा मैं ट्रक के नीचे आऊंगा तो मैं इनसे डिस्कस कर रहा था कि यार जो मैंने कल वाली वीडियो अपलोड की है वो सबको इतनी ज्यादा पसंद आई है जो एग वाला जो इंसिडेंट हुआ मेरे साथ वो सबको इतना ज्यादा पसंद आया सारे मेरे को फोन करके बोल रहे थे यार वो पार्ट जो था अल्टीमेट तो यार अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा तो आप प्लीज उसे जाके देखिए बिलीव किया मुझमें मेरे कॉन्टेंट में यार थैंक यू सो मच और जिनसे मेरी रात को कॉल पे बात हुई है मुझे एक इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर का स्पेशली फोन आया उन्होंने मेरा नंबर निकाला कहीं से उन्होंने मेरे को वीडियो कॉल की रात को और उन्होंने कहा यार ये कंटेंट मैं उनका नाम नहीं लूंगा अभी क्योंकि उन्होंने मना किया रिवील करने से और ये मैं मजाक नहीं कर रहा मैं सीरियसली सच बोल रहा हूँ उन्होंने मेरे को कॉन्टेक्ट किया उन्होंने मेरे को कॉल किया यार मैं और उनके वो भी अमेरिका में है तो उन्होंने मुझे कॉल किया स्पेशली ये बोला कि मेरी जो सुबह होती है वो तेरे व्लॉग से होती है थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग जैसे कि मैंने आपको बताया था हम वीकेंड पे ट्राई करते निकलने का मैं मेरा भाई हमारे साथ एक समवन स्पेशल तो यार ये देख सकते हो अभी खाना पीना दोस्तों हो चुका है मैं फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे इन 20 दिनों में एक फ्री प्रमोशन करूंगा नहीं मैं नहीं मानता जिसके लिए मेरे को बोला भी नहीं और इसका हमने पेमेंट करनी है अभी बहुत ही जल्द हमारे चैनल पे भद्रवा सीरीज स्टार्ट होने वाली है बड़े भाई के भद्रवा का ट्रिप प्लान हो रहा है अभी बैठे बैठे बड़े भाई के साथ भद्रवा जाने वालों को मतलब कि अनएक्सप्लोर्ड जो होता है ना सही तरीके से बोलोगे यार एक्सप्लोर्ड द अनएक्सप्लोर्ड वो दिखाऊंगा सही तो हमने खा पी लिया है दोस्तों अब हम घर के लिए जा रहे हैं हमने जो खाया उसका रेट भी काफी रीजनेबल था दोस्त आज मेरे को चांप मैंने खाने से पहले गलती से मैंने कहा फ्री प्रमोशन कट दोस्तों गाड़ी का नंबर है JK02CQ6412 रिपोर्ट कर दो फोन करके बोलो साइड रिपोर्ट कर दो तो मैं कह रहा था इसने 10:30 का शो इसलिए रखा है क्योंकि इसको पता है उसी टाइम अमीर घरों की लड़कियां आती हैं मेरी लड़कियां ही आती हैं मैं कह था पापा मम्मी के साथ 10:30 बजे का शो देने इतनी सुंदर लड़कियां इसलिए जाती है ताकि वो अमीर वकीलों को अपने झांसे में डाल सके दोस्तों मूवी तो बहाना है विक्रम भी आपको रिवील करेंगे किस दिन दोस्तों हाँ
हाय एवरीवन कैसे हो विक्रम एके में बिक्री कर रहा है क्या कह रहे हो ये सुरेश कट नहीं सुरेश को क्या होगा इसके बहुत सारे फैंस बन जाएंगे सुरेश के फैंस बन रहे हैं तो गोल गोल घूमेंगे हाँ इन्होंने मुझे कहा कि कल को अगर तेरे ब्लॉग्स ये जो हैं जो हाँ, भी हैं ये नाम ने इन्होंने कहा कि आपके ब्लॉग्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं आप इसी तरह कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए दुनिया का प्यार आपको मिलते जाएगा और इन्होंने कहा जब आप एक मुकाम पे पहुंचोगे तो आपके साथ साथ सुरेश की भी बड़ी फैन फॉलोइंग हो जाएगी तो मैं इनको वही बता रहा था मैंने कहा यार वो एक्टिंग नहीं करता वो है ही ऐसा उसने बात की गंदी दोस्तों उसने बात की गंदी एक से ज्यादा बंदियां चाहिए तो अभी वो अपनी बंदियों से ही मिलने गया साथ साथ बंदियां मेरे को डर ये है कि एक्सपोज ना हो गया वो सबके सामने किया तो है बेचारा गांव जैसे तैसे करके कल देखा नहीं आपने टेंशन में अंडा दूध के अंदर चला गया था दोस्तों नहीं देखा गंदी बात मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा बाहर का व्यू दिखाने लायक अभी है नहीं है किसी दिन मेरा मन है सिधड़े जाऊंगा अकेला तो यार आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही मैं मिलूंगा आपसे कल एक नए व्लॉग में एक नए दिन के साथ एक नई कहानी के साथ तो अभी घर आ गया था घर पे रिकॉर्ड कर नहीं पाया कुछ तो मैंने सोचा अब इसको एंड करते हैं अब कल शूट करेंगे कल का जो भी दिन रहेगा तो अभी पूरे दिन किया नहीं अभी शाम को बाहर निकला था तो रिकॉर्ड किया थोड़े बहुत मूवमेंट्स तो आप देखिए और बताना कैसे लगे तब तक के लिए हर हर महादेव टेक केयर